ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की बिल्कुल दरकार नहीं। तो आँख बंद करना माना मतलब बैठते हैं शांति में तो नींद के कारण ही आँख बंद करते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ तुम पढ़ने आते ना कि आँख बंद करके नींद लेने के लिए। तो पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है, एकदम जागृत अवस्था में पढ़ना है, आत्मिक स्थिति में। देखिए दो अर्थ है इसका, आँख खोल कर का दो अर्थ है। एक होता है कि मन बुद्धि से जाग कर कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा है कि नींद का वाइब्रेशन से जाग कर ज्ञान को सुनना है, तभी तो अंदर जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई आँख खोल कर मतलब ध्यान देकर पढ़ने की चीज है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं। मांगने का संस्कार है ना, साधु महात्माओं के पास जाएंगे तो मांगते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं तो मांगते हैं, कहीं भी चले गए तो मांगने का संस्कार है। उन्होंने मांगने की आदत तुम्हारी पड़ जाती है 63 जन्म से। लक्ष्मी के आगे जाकर धन मांगेंगे लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं मांगेंगे लेकिन धन मांगते, जो जैस जिस देवी मतलब जिस चीज़ के लिए कहा गया कि वो देवी है वो चीज़ उनसे मांगते हैं, लेकिन मिलता कुछ। कमाना आप कमाना छोड़ दें और लक्ष्मी के आगे खूब पूजा पाठ करें और मिल जाएगा धन, कमाना तो पड़ेगा ना। यानी कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर कर रहे हैं तो अपने आप प्राप्ति होगा। तो अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए मांगने की। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे हो, भिखारी नहीं। हम सब अधिकारी हैं, भिखारी नहीं हैं। तो तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते हो, सच्चे विचित्र बाप जो दिखता नहीं, जिसका कोई चित्र ही नहीं है, शिव बाबा। और हम विचित्र बन कर देखते हैं, यानी आत्मा बन कर देखते हैं, और विचित्र ड्रामा को देखते हैं और विचित्र प्रारब्ध को देखते हैं। अभी जो प्रारब्ध बाबा बोल रहा है सत्य में होगा, वो अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं है, लेकिन वो भी विचित्र है। तो देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। विचित्रता को देखते रहें, यही सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, देहधारियों को नहीं, रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि ये पाठशाला है, यहाँ सोना नहीं है, परंतु यहाँ कोई चित्र या देहधारी को देखना नहीं है। ये भी नहीं कि देहधारी को देखना नहीं है, देहधारी को यहाँ बैठे हैं तो उसको देख रहे हैं, नहीं, उसके मस्तक पर ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को देखना है। तो यह देखती हुई बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसका कोई चित्र नहीं है, शिव बाबा को। स्कूल में बच्चों का टेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, जरूर उनका सुनना है तो फिर रिस्पॉन्ड भी करना होता है। जैसे अब टीचर पढ़ा रहे हैं, अब टीचर बीच में कुछ भी पूछ दिए तो अगर आप ध्यान से सुन रहे तो उसका जवाब देंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर चुपचाप हो जाएंगे। तो टीचर अगर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ, बोलते हैं ना कि मैं बताऊँगा जवाब, क्यों, अटेंशन से हम सुन रहे थे इसलिए हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ ये विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई का जो प्रारब्ध है, ये पढ़ाई जो है वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? अब यहाँ पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है कि आपको शांति में रहना है, शांति तो दिखती नहीं है, शांति को लाना पड़ेगा अपने अंदर, दिखाना पड़ेगा मैं शांत हूँ, जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, आंख बिल्कुल बंद, बाबा भी रेगुलर चला रहा है, आंखें बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कभी आँख बंद करके बैठते थे क्या? बैठते हो क्या? बैठते हैं कभी? यहाँ विचित्र बाप है इसलिए आँख बंद कर लेते हैं। तो भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं, भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं मतलब फंसे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि करते आए हो ना, इसलिए यहाँ भी वही भक्ति मार्ग चालू हो जाता है। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वह तो स्त्री को देखती भी नहीं कि कहाँ मन चलाए मान ना हो जाए। साधु सन्यासी स्त्री की ओर देखते भी नहीं थे, क्यों? मन चलाए मान ना हो जाए। यहाँ पर बाबा बोलता है कि स्त्री पुरुष साथ रहते हुए पवित्र बना कर दिखा, बन कर दिखाओ। तो ये परमात्मा की शक्ति जो सब कुछ देखते हुए भी कोई आसक्ति नहीं। परंतु आजकल जमाना तमो प्रधान है ना, बाप तुम बच्चों को समझाते, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु तुमको बुद्धि से उस विचित्र
को ही याद करते रहो। बाबा कहता ना कि ये तमो प्रधान दुनिया, इसीलिए बाबा क्या बोल रहा है कि शरीर को नहीं देखना है, शरीर में विचित्र आत्मा को देखना है। तो ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते हुए उस विचित्र को याद करे, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही नहीं देख रहा तो हम लोगों को क्या बोलेगा। तो तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते, शिव बाबा, वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है, चाहे रूहानी ज्ञान हो चाहे जिस्मानी ज्ञान हो, सुनती आत्मा। अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो शरीर सुनेगा, शरीर काम करेगा, यानी कि सब कुछ आत्मा कर रही है। तो आत्मा जिस्मानी टीचर भी बनती है तो रूहानी टीचर भी बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ती है वह भी आत्मा ही पढ़ती है, संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा ही धारण करती है, शरीर में कुछ भी नहीं है। आप जैसे आप चाहोगे कि हम हाथ नहीं हिलाएं तो हाथ नहीं हिलेगा, आप चाहोगे आँख बंद कर ले आँख बंद हो जाएगा, लेकिन अभी हम कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए ना, तो क्या होता है कि नींद आ रहा है तो हम आँख के अधीन हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं। तो हमें बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें कर्मेंद्रियों जी को जीतना है। तो शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते, उन्हों को देह अभिमान रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। शरीर लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर का पद पोजिशन है, लेकिन आत्मा वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आत्मा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बस वो रोल अदा करती है। और अगर शरीर छूट गया प्राइम मिनिस्टर का तो क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे ना सभी लोग मुर्दा हो गया है, मर गया। तो बाबा कहता है कि वो शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। तो यह भी तुम समझती हो कि सब कुछ आत्मा करती है, आत्मा विनाशी शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए तुमको मिलता है, ये शरीर तो कहीं जा ना सके, ना सूक्ष्म वतन ना मूल वतन, आपको यहीं पार्ट बजा कर यहीं छोड़ कर जाना होगा। तो इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है ना, बाबा कहता है कि अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या हो जाता है, लोथ हो जाता है ना, उसको उठाने के लिए भी कितना भारी लगता है। अभी दरवाजा को देखिए ना, कि अगर दरवाजा को चौखट से निकाल दीजिए तो कितना भारी लगता है, और अगर चौखट से अटैच है तो कितना आसान से हिला दुला सकते हैं। तो शरीर भी जब आत्मा से अटैच है तब देखिए कितना हल्का फील करती है, चलती फिरती सब कुछ है, आत्मा से हट गई तो शरीर वही लोथड़ा हो जाता है। तो आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, कब आई कब चली गई, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते बुद्धि से बाप को याद करो, इमर्ज करो, चमकते हुए सितारों को इमर्ज करो, तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें, कई तो अच्छी रीति समझते भी हैं और कोई जरा भी नहीं समझते, दोनों तरह के बच्चे हैं। तो सिर्फ बात है समझने की, देखिए ज्ञान में सारे बच्चे हैं, लेकिन अब कोई समझ गया तो आगे बढ़ गया, कोई नहीं समझा तो वहीं के वहीं अटका रह गया। तो अल्प माना भगवान बाबा, भगवान और बाबा दोनों शब्द यूज किया बाबा, तो भगवान क्यों कह रहा, ताकि अटेंशन जाए, बाबा कहने से अटेंशन नहीं जाता है। तो अल्प माना भगवान, तो सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से बाप का संबंध नहीं रहता है। अब सिर्फ भगवान कहें तो अपनेपन का आभास नहीं होता है, अब बाबा कहते हैं तो लगता मेरा बाबा है। तो दोनों ही चीज शब्द यूज कर दिया बाबा, भगवान और बाबा दोनों शब्द यूज किया। तो इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम अपने आदि मध्य अंत को नहीं जानते। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सतयुग से लेकर कलयुग तक वो बार बार रिपीट होगा। अभी संगम युग है या किसी को पता नहीं, तुम समझती हो आगे हम भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं क्या पहले हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से सिंगारते हैं, फिर बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ कर ज्ञान सिंगार बिगाड़ देती है। बाहर जाते हैं घर गृहस्थ में तो कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति जिसमें उलझ जाते हैं, तो यानी कि जो ज्ञान का सिंगार बाबा चार पेज का मुरली सुना सुना कर करता है, वो घर जाने से सिंगार ही खत्म हो जाता है। तो बाप सिंगार करते हैं परंतु अपना भी पुरुषार्थ करना है ना। अब देखिए बाप दे दिया था
एक बहन थी ना, तो उसको दिया साड़ी सिल्क का, बहुत सुंदर सिल्क का साड़ी दिया, उसको पसंद आ रहा था। बाबा तो जानता है कि किसको क्या पसंद है, तो अचानक उठाकर बोलता है कि बच्ची ये तुम्हारे लिए है, लेकिन इसको कब पहनोगी, सेवा में जाओगी तो सफ़ेद पहनना है, कोई भी चीज़ काम करना है तो सफ़ेद पहनना, फिर इसको कब पहनोगी। तो वो बच्ची भी सोचने लगी कि सही में कब पहनेंगे, मन तो है पहनने का लेकिन कब पहनेंगे। उसको पहनने के लिए जानते हैं कहाँ पर दिया गया, गोबर का गोईठा जब बनाओगी ना तब ये सिल्क का साड़ी पहनना। अब उस समय सोचिए कितना संभाल कर काम करना होगा, मतलब कहीं गोबर इधर उधर ना लग जाए, तो संभालने का उसको आदत पड़ गया, एकदम संभाल संभाल के करने लगी। तो फिर वाइट भी संभाल कर करने करेगी जब उसमें रहेगा तो। तो बाबा कहता पुरुषार्थ तो अपना करना पड़ेगा ना, बाप दे दिया सिल्क का साड़ी, अब तुम संभालो। तो पुरुषार्थ अपना करना है, साड़ी दे दिया बाप, अब उसको कैसे पहनना है, कैसे उसको सुरक्षित रखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो बाबा ज्ञान दे रहा है, और हम अपने आप को धूल मिट्टी से लथेड़ने से कैसे बचाएं, वो हमारा पुरुषार्थ है कि हम गलत ढंग से नहीं चलें। तो कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली सिंगार जैसे हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लड़ाई झगड़ा जब करते हैं तो बाबा उनको कहता जंगली, मतलब जंगल है ना पूरा, आज कलयुगी संसार क्या है, जंगल है ना। तो जब हम कड़वा बोलते हैं, खराब शब्द यूज करते हैं, तो वैसे बच्चों को बाबा बोलता है वो जंगली हैं। तो हमें बनना क्या है, देवी देवता। तो बाबा कहता है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं, मुख से उल्टा पुल्टा शब्द निकालते हैं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं ना, उनकी पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार भी बन जाते हैं, मतलब अच्छा चलो अच्छा काम कर रहे हैं, साहूकार बन गए, दुनिया की नज़र में तो बन गए, लेकिन संस्कार अच्छा नहीं होने के कारण वो वैसा ही कर रहता है। बहुत ऊंचा पोस्ट है और सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसको कोई इज्जत देगा, पद पोजीशन का इज्जत देगा लेकिन पीठ पीछे एकदम इज्जत नहीं देगा। अभी एक प्रिंसिपल है ना, वो लड़कियों को खूब मारती है, और जहाँ थोड़ा सा देर होता था ना तो उसको बोलती है कि तुम किसी यार के साथ घूम रही हो क्या, तो ऐसे पूरा क्लास की लड़कियाँ प्रेस रिपोर्टर को बुलाकर पूरा दे रही हैं कि यहाँ हम लोगों की प्रिंसिपल ऐसे बोलती है, पैसा ज़्यादा लेती, तो इज्जत दी। कितना ऊंचा पोस्ट है प्रिंसिपल का, स्टूडेंट का, लेकिन अगर वही प्यार से रहती तो इज्जत सब कोई देता। तो पढ़ा हुआ भी कुछ भी नहीं है यहाँ, पढ़ा लिख के भी बाबा कहता कुछ भी नहीं है, यह बहुत ऊँची पढ़ाई है, पढ़ाई बिगर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है, तो ये पढ़ाई ऊंचा है। वो पढ़ाई में कितना भी आप पढ़ लिए, संस्कार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है, जिससे भगवान बनना है, धनवान बनना है, यह तो सब खलास हो जाएगा। साथ में चलेगी अविनाशी कमाई। अविनाशी कमाई क्या है, हमारा संस्कार, दिव्यता का संस्कार। तो तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं खाली हाथ जाते, क्यों खाली हाथ, क्योंकि उनका संस्कार क्या था, दिव्य गुणों वाला नहीं बना, वो केवल रावण का संस्कार से बन कर गया है, इसलिए उसको कहा जाता खाली हाथ गया। साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भर तू जाएंगे, इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए, एक दो जन्म के लिए कमाई नहीं है, 21 जन्मों के लिए कमाई है। तो क्यों ना हम अपने संस्कारों को सुधार कर चले। तो बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, देखते हैं ब्रह्मा बाबा को, और याद किसको कर रहे, शिव बाबा को। तो क्योंकि तुम आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप परमात्मा को ही देखती है, उनसे पढ़ती आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो, दिखता है। लोग तो देखने की कोशिश तो करते हैं, आत्मा कहाँ दिखती है हमको, इमर्ज किया जाता है। तो हम आत्मा विनाशी, यह शरीर विनाशी है, यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में आत्माओं को देखते हैं। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी देखता है शरीर को, लेकिन वो देखता है आत्मा को, समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को जो सिखलाते वह ही सच सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं है। झूठ, मैं आत्मा हूँ, ये झूठ कैसे हो सकता है।
तो बाबा कहता है यह झूठ खंड है, यहाँ सिर्फ देवभान में सिखाया जाता है ये करो वो करो, झूठ खंड है ना कलयुग, और सच खंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है, एक है दिन और एक है रात, आप रात में चलना चाहेंगे कि दिन में? दिन में तो सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं। नाम ही है सुख धाम और इसका नाम है दुख धाम, तो दुख धाम से हम निकल चुके हैं, अभी हम संगम युग पर हैं, निश्चिंत अवस्था। कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए क्या बोलते, बाबा बैठा है ना, बाबा चिंता करेगा, मुझे करते चले जाना है, पार हो जाता है ना। बुरी परिस्थिति भी कब पार हो गया पता ही नहीं चला, और पुरुषार्थ भी अच्छा हो गया। तो उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे, उनका कोई चित्र नहीं, और सबके चित्र हैं, ब्रह्मा का भी चित्र है, हम ब्राह्मणों का भी चित्र है, सारे देवी देवताओं का चित्र है, लेकिन शिव बाबा का कोई चित्र नहीं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनकी आत्मा का नाम फिरता है मतलब दूसरा दूसरा नाम पड़ता है? नहीं, उनका नाम एक ही है शिव, उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीरधारी शरीर को धारण करते, उनका नाम पड़ता है शरीर पर, बाकी शरीर पर नाम पड़ता है, शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ये सागर शब्द केवल निराकार के लिए होगा। तो यह शिव की महिमा है, वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है, रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है, भाई को भाई से वर्षा मिलेगा कर्ज मिलेगा, भाई को भाई से कर्ज मिलता है, वर्षा नहीं मिलता, वर्षा तो माँ बाप से ही मिलता है, अम्मा से भी नहीं बाप से मिलता है। तो वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को, रचयिता माना शिव बाबा, अपने बच्चे होते हैं हुए भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? तो यहाँ भाई का बच्चा कौन है? धर्म का बच्चा, जो धर्म का है, बाबा का बच्चा है ब्राह्मण बच्चे, और भाई का बच्चा धर्म का बच्चा जो भक्ति मार्ग में, तो पहले किसको वर्षा देंगे? अपने बच्चों को देंगे। तो यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं, ये पढ़ाई है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि संस्कार के द्वारा ही दिया जाएगा। जैसे मनुष्य पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से दोनों से योग लग जाता है, बैरिस्टर बनते तो जो सिखा रहा उससे भी और जो पढ़ाई है दोनों से योग लगता है। यहाँ भी भगवान से भी योग लगाना है टीचर के रूप में और पढ़ाई से भी लगाना है। यह तो पढ़ाने वाला विचित्र है, तुम भी आत्माएं विचित्र हो, हम लोग भी विचित्र आत्माएं, आत्मा ना संस्कार ले जाएगी, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, इसलिए जो कुछ भरना है आत्मा के मन बुद्धि में भरना है। तो मन बुद्धि क्या है? एक बड़ा सा थैली है और उसमें भरते जाना बेहद का थैली है। तो बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं, एक ही बार आकर पढ़ाते हैं और एक ही बार पूरे कल्प में पढ़ाते हैं, पढ़ती है आत्मा। दुख सुख आत्मा भोगती है परंतु शरीर द्वारा भोगती है, शरीर द्वारा ही भोगती है लेकिन आत्मा भोगती है। दर्द अगर शरीर में है तो अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को दर्द थोड़ी होगा, आत्मा दर्द लेकर जाती है, दर्द का फीलिंग लेकर जाती है, तो यानी कि शरीर में रहते आत्मा को दर्द होता है। आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर को कितना भी मारो पीटो, जैसे मिट्टी को मारते हो, कुछ होगा उसको? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि खून भी सूख जाता है। तो बाप बार बार समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो, यह तो बाबा जानते हैं, नंबर वार धारणा करते हैं, सभी जानते हैं कि मैं बाबा पढ़ाता, लेकिन धारणा नंबर वार करते हैं, सब एक जैसा धारणा नहीं करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है यहाँ बैठे हुए भी कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूल्हा लंगड़ा भी समझ सकता है इस ज्ञान को, बाबा क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर तो अंधा लूल्हा लंगड़ा समझ सकता है, तो हम बच्चे तो हर तरह से अच्छे हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना, शरीर को तो नहीं समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है, आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है, तो शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति से बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदत है आंखें बंद करके बैठने की, पड़ी हुई आज भी, यहाँ भी आंखें बंद कर लेते हैं, घड़ी घड़ी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे मतवाले हों, मतलब जैसे शराब पी का धुन रहता है ना, तो ऐसे नींद के आहोश में आ जाते हैं।
बाप कहते आंखें बंद ना करो। दो तीन दिन से बाबा आंखों पर ही चला रहा ना मुरली, तो आंखें बंद करने का सबका आदत अब एकदम छूट जाना चाहिए। आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कितना सहज है फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है उनको तो मरने तक याद करते हो। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते, मरने तक याद करते। मेरा बाप के पास इतना संपत्ति है, मेरा बाप ऐसा, मरने के बाद भी याद करते मेरा बाप ऐसे था, इतना नाम था उसका, बोलते हैं ना। और यहाँ पर बाबा जो सब बेहद का मालिक बना रहा उनको हम भूल जाते हैं। जिस बाप को बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर गाइड मी, मुझे गाइड करो, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं बनेगा, तो वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़े ही लिबरेट करेगा, दुखों से थोड़ी एक को छुड़ाएगा, सबको छुड़ाने आया है। बाप कहते मैं सबका सदगति आकर करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने के लिए। सबको शांति धाम भेजने के लिए आए हैं बाबा, यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, तो जो जिसका बाप भरपूर है उसे कहीं और मांगने की क्या जरूरत है, या बाबा से भी मांगने की क्या जरूरत है, उसको उसे सब कुछ अधिकार से लेना है। तो वह तो हद में आकर मी मी करते रहते हैं, मी मी मुझे दो हद में आकर। बाबा के बच्चे भी मुझे ये चाहिए बाबा, मुझे ये चाहिए, मी मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी हैं, नीच हैं, आप हम पर रहम करो। मतलब किसी तरह से मांगना है बाबा के आगे, अपनी ग्लानी बाबा की महिमा करके सोचते ना बड़ाई लूटेंगे। बहुत तो का होता है ना कि मस्का लगाने का, तो वही चीज़ है कि अपने आप को नीच कपटी बोलकर, अब बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, आप हमको ये दे दो बाबा, ये कर दो बाबा। एक बार बंद कर रहे हैं, यह है आसुरी संप्रदाय। सत्य सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला, वही बाप टीचर और सतगुरु तीनों हैं। बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई, और सतगुरु के रूप में सदगति देता है। बाप कहते यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। ये माताएं कौन सी माताएं, जो दुनिया की पढ़ाई तो नहीं पढ़ी लेकिन बाबा की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ रही हैं। तो लिखा भी हुआ गेटवे टू हेविन लिखा जाता है ना, तो ये बाबा कहते हैं कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकती हैं, नरक में पड़े हैं ना तो बुलाते हैं भगवान को। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने के लिए। दोनों काम करता है बाबा, केवल पतित से पावन बनाकर छोड़ नहीं देता, यहाँ से ले भी जाएगा सबको अपने घर। तो अब तुमको स्वर्ग में अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते माया जीत जगत जीत बनो। माया क्या है? माया है फंसना। माया कोई और चीज़ नहीं है, धन दौलत परिवार माया नहीं है। जब आप फंस जाते हैं तो वही माया है। जब आप जब बोलते ना कि क्या करे, परिवार का बात है ना, परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यही माया है। आप अगर किसी के लिए गलत कर रहे हैं वो माया है। धन क्या करे, धन कमाना पड़ता, पापी पेट के लिए, सो बोलती है पापी पेट नहीं, पापी हम हैं, पेट तो दो रोटी ही मांगता है, तो इसलिए ये सब माया है, धन माया नहीं है। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाना चाहता, बनाने का रास्ता बताता हूँ, फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करती हूँ, उनसे धन मांगती हूँ। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी कर दो, आयु बड़ी कर दो, लक्ष्मी जी से ये नहीं बोलेंगे। जो जिस ढंग से बना हुआ है देवी, वो उसी चीज को मांगेगा। तुम तो बाप से सब कुछ लेते हो, तो सब कुछ जब एक से मिल रहा है तो अलग अलग जगह क्यों जाए। वो अभी देखिए जैसे मॉल खुल गया है तो लोग मॉल में जाते हैं तो सारा सामान ही मिल जाता है, एक्यूरेट टोटल चीज ए टू जेड मिल जाता है। और ऐसे क्या है कि राशन वहां जाइए तो कपड़ा के लिए वहां जाइए तो वो चीज वहां जाइए,
तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि जब सब कुछ बाबा के पास मिल रहा है तो हम अलग अलग जगह क्यों जाएं। आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर अभी हेल्थ भी मिल रहा, वेल्थ भी और हैप्पीनेस, तीनों सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते रहते। ठिकरियाँ क्यों बोलता है, कागज का नोट मांग लिए तो ये सब क्या है, ठिकरियाँ खत्म हो जाएगा। वह भी मिलता थोड़े ही है, उनसे मांगने से मेहनत करना पड़ता है, तो यह भी एक आदत पड़ गई है मांगने की। देवताओं के आगे जाएंगे, भीख मांगेंगे। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, तुमको तो बाप कहते माँ मेकअप याद करने से मालिक बन जाओगी। क्या बोलते, मैं भरपूर आत्मा हूँ, तो अपने आप भरपूरता आ गया, अधिकार का पहचान है कि मैं हूँ। और जब मांगने वाला स्थिति, बाबा ये दे देना, बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये मांगना हो गया, जो चाहिए उसमें बोलिए मैं हूँ, तो मालिक बन जाओगे। सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, मालिक भी बनोगे और चक्रवर्ती राजा भी बन जाओगे। दैवी गुण भी धारण करने, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मतलब दैवी गुण वो संस्कार में दिखना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं तो वो संस्कार दिखना चाहिए ना। अच्छा बिना बोले ही पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी तुम इनकी पूजा करोगे क्या, पूजा करेंगे? अगर ठीक है, शिव बाबा का भी मूर्ति देख लेंगे तो पूजा करने का इच्छा करेगा, अंदर से पत्थर का उनका ध्यान करने का इच्छा करेगा, लेकिन पूजा करने का नहीं। तुम जानते हो हम खुद भी ये बनते हैं, फिर इन पांच तत्वों की पूजा क्या करेंगे? तो देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो पूजा नहीं, उनको देखते हैं तो बोलते ये स्वरूप हमको बनना है, ऐसा हमको बनना है। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या करेंगे, ये सब करके क्या करेंगे, हमको तो विश्व का बादशाही मिल रहा है। अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। देखिए बाबा, मतलब पूजा करने के लिए ऐसे कि फालतू समय हो जाता ना, जब चैतन्य में सब कुछ हमको मिल रहा है तो फिर मूर्ति पूजा, मूर्ति को क्यों पूजने जाएं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है बस, और कुछ भी नहीं। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, माँ में कम याद करो बस, बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सत्व प्रधान बन जाओगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, अगर तुम थे तो तुमको फिर बनना पड़ेगा। पत्थर बुद्धियों से बाबा कितना भी माथा मारना पड़ता है, कितना माथा मारना पड़ता है बाबा को, आखिर आज 88 साल से चल रहा है। तो बाबा कहता कितना माथा मार रहे हैं तैयारी करने के लिए। यह निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाता है, तब जाके माथा मारना बाबा को नहीं पड़ेगा, जब हम निश्चय पक्का कर लेंगे। तो यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़े ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। ब्रह्मा बाबा ईश्वर नहीं है, तो वो तो बहुत जन्मों के अंत में आया, उसके तन में बाबा प्रवेश किया। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरा 84 जन्म लिए। गांवड़े का छोड़ा था फिर श्याम सुंदर बनता है, गांवड़े का छोड़ा लास्ट जन्म में बन गया ना गांव का, तो यह तो पूरा गांवड़े का छोरा था ब्रह्मा बाबा। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करा के फिर क्या किया, बहुत माताओं की भट्टी बनाया गया। इन्हों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी तो चाहिए ना, मतलब एकदम गरीब भी नहीं चाहिए तो एकदम राजा भी नहीं चाहिए, साधारण तो सब थे। ब्रह्मा बाबा उज्जैन का कमा के, और इतने बच्चों की पालना करनी थी ना, इसलिए उनको धन दिया गया इतना। तो यह सब समझने की बातें, बाप खुद कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतित बना फिर वही सबसे ज़्यादा पावन बनेगा। 84 जन्म इसने लिए, तत् त्वम तुम ही पूज्य तुम ही पुजारी बन जाते हो, तुम ही पतित तुम ही पावन बनते हो। तो एक तो नहीं बहुत है ना, 33 करोड़ बच्चे पावन बनेंगे और बाकी सारी आत्माएं पवित्र तो जरूर बनेंगी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते पढ़ने के लिए, पुरुषार्थ है लेकिन नंबरवार होता है, बाकी ठहर नहीं सकेंगे, बाकी सब बच्चे नहीं ठहरेंगे, ये भी क्लियर है। इसीलिए बच्चे निश्चिंत रहते हैं, चलो जितना भी बच्चा आ रहा है, देर में आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से भी आएंगे। अच्छा
मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का श्रृंगार करते उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना। मतलब घर गृहस्थ में गए और अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है। आपको शांति का श्रृंगार कराया गया तो शांत ही रहना, चुपचाप रहना है। आपको हर्षित मुख रहने का श्रृंगार कराया गया तो हर्षित मुख ही रहना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जरूर करनी है। इस चित्र अथवा देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना कि पढ़ाने के लिए स्वयं शिव बाबा पढ़ा रहा है। आंखें बंद करके बैठने की आदत खत्म कर देनी है, नहीं बैठना आंखें बंद करके। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, अधिकार से लेना है। वरदान है समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। हमेशा रोज ये वरदान लेना है कि मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने की वरदान प्राप्त हुआ है। जैसे जो व्यक्त में आए, व्यक्त क्या है, शरीर है ना, शरीर कितना चलता है, एक कदम। और अव्यक्त यानी कौन है, फरिश्ता, फरिश्ता तो उड़ता है। तो हम लोग कौन सा पाठ अदा कर रहे हैं, फरिश्तों का पाठ अदा कर रहे। तो पावरफुल कौन है, हम बच्चे हो रहे हैं ना पावरफुल। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित आत्माओं की सर्व के प्रति सदा उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज प्राप्त होता है। एक तो शिव बाबा, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उसके बाद निमित बनी हुई आत्माएं। तो शुरुआत में दादियां तो उड़ाती थी ना सबको, रोकती बांधती नहीं थी, रोकती नहीं थी। इसीलिए बाबा ये वरदान दे रहा है कि इन दोनों का साथ आपको तीव्र गति से पुरुषार्थ करने में मददगार साबित होगा। स्लोगन है निराकार सो साकार के महामंत्र, मंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। साकार सो निराकार बन रहे अभी, लेकिन बाबा आज एक बोलो ना निराकार सो साकार, मतलब पहले आत्मा समझो और तब कर्मेंद्रियों से कर्म करो। तो ये कर्म कैसा हो जाएगा, फिर योग युक्त हो जाएगा, क्योंकि मैं निराकार आत्मा करवा रही हूँ शरीर की कर्मेंद्रियों से, तो स्वतः ही योग युक्त हो जाएंगे। इसीलिए आज स्लोगन दिया बाबा निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति।